नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक समय में मेरे बहुत प्रिय मित्र थे और बहुत विश्वविख्यात थे। इनकी मृत्यु हो गई तो काफ़ी जांच पड़ताल के बाद भी जिस तरीके से इनकी मृत्यु हुई, ऐसा लगा कि असंभव है ऐसे में मृत्यु होना। 10 साल पहले मैं और मेरा एक सहयोगी साधक था। सहयोगी साधक क्योंकि साधना के विषयों में हम लोग वार्तालाप करते थे, साधना अलग अलग करते थे और बहुत अच्छा उसका पकड़ था साधना पे और हर चीज़ पे। वो अलग अलग चीज़, अलग अलग क्रियाएं हमेशा कोशिश करते रहता था। कभी जंगल चला जाए किसी के बाल को लेके, उसको पेड़ में बांधी आए, देखना अब उसका क्या होगा। किसी का नाम मधु में ताम्रपत्र डुबा करके उसमें नाम लिख के बांध के और चींटियों के हाथे में छोड़ आए और एक्सपेरिमेंट करता रहता था। किसी पे प्रेत बाधा आए, किसी पे काला जादू हो, हम परेशान रहे कि कैसे उसको ठीक करें, वो परेशान रहे उसको समझने में कि ये अगर इसके साथ हो रहा है तो हो क्यों रहा है, असलियत क्या है, नकली क्या है। सब अच्छा चल रहा था। एक दिन मध्य रात्रि के बाद उसने मुझे फोन किया कि भाई साहब एक इमरजेंसी है, चलना होगा। एक बच्ची को कोई प्रेत परेशान कर रहा था। हम किसी तरीके से वहां पहुंचे, बहुत अजीब सा माहौल था वहां, पूरा परिवार जॉइंट फैमिली थी वहां पे जुटा हुआ था। वो बच्ची अकेले खड़ी थी, हम लोगों ने एक बार रूम झांका, अजीब सा माहौल था। एक मौलवी झाड़ फूक का काम कर रहे थे तो काम में डिस्टर्ब ना करने के चलते हम बाहर निकल गए। बड़े जोर से एक बार चिल्लाने की आवाज़ आई, हम फिर वापस गए तो देखा कि मौलवी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं और बोल रहे हैं गलती हुई। वो बच्ची बोल रही है कि मैंने तुम्हें क्या तकलीफ पहुँचाई, तुम आ कैसे गए यहाँ, मतलब उसको डांट रही थी कि अगले बार आए तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हमारे जो मित्र साधक थे वो उस बच्ची को संभालने की कोशिश करने लगे तो उस बच्ची ने इसे मारा एक चपेट और उसके बाद बोला कि तुम्हें अभी बहुत सीखना बाकी है। उसके बाद हम लोग भी उसमें भिड़े, 3 घंटे तक वो जो भी था उसको ठीक करने की कोशिश की। 3 घंटे बाद वो ठीक हुई। लेकिन इसका बहुत बड़ा मानसिक असर पड़ा हमारे मित्र साधक पर। वो कई दिनों तक रिसर्च करता रहा कि कौन सा मंत्र, कौन सा तंत्र। जब हमने उस बच्ची को ठीक किया तो धर्म के परे जाके किया था। जो धार्मिक मंत्र है, जो धार्मिक तंत्र है, अपने धर्म से हट के दूसरे धर्म का भी तंत्र हमने प्रयोग किया, तब जाके कहीं वो ठीक हुई थी। तो वो उस बच्ची की बात को अपने दिमाग में बैठा लिया उसने। उसको लगा कि कहीं ना कहीं वो सही में कमज़ोर है और उसको अभी और सीखने की ज़रूरत है। देखो प्रेत भूत ये ना मानसिकता पड़ते हैं सामने वाले की। उसी साधक के साथ मैं एक जगह और गया था तो ये पूरी कथा कभी और सुनाऊंगा, लेकिन वहाँ पर क्या था कि बताया गया था कि एक लड़की में भूत आता है तो अपना ये विश्वास है कि भूत लगना, प्रेत लगना, ये जब 100 आप केस देखोगे उसमें 1 में होता है। बाकी में चाहे तो काम चोरी होती है, पढ़ाई की चोरी होती है या अटेंशन लेने के लिए लोग बोलते हैं। तो हम और वो गए थे वहाँ पर, तो जैसे हमने दरवाज़ा खोला, पहले तो घर घुसे तो लोग देख के अचंभित, 2 ही लोग आए आप लोग, हमने 2 लोग काफ़ी हैं, पता नहीं था सामने क्या आने वाला है। तो
तो बोला ठीक है लड़की ऊपर वाले कमरे में, आप लोग चले जाओ। हम दोनों गए, जैसे गेट खोला वो लड़की पूरा एकदम फिल्मी स्टाइल में बाल वाल सामने करके बैठी हुई थी। और हमने बोला कि अच्छा तुम ही हो, वो उसने बोला अच्छा तुम लोग आ गए, तुम्हारा इंतज़ार था। देखो साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलते हैं, उसके बाद जानती हूँ तुम्हें, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, हम भी चलो देखते हैं क्या कर लोगे। उसके बाद एक बहुत खतरनाक घटना हुआ था, वो लड़की अचानक से हवा में उठी और एक अंगूठा उसने खिड़की के रेलिंग पे रखा था ग्रिल पे, और वो खड़ी थी। खैर वो तो किसी और दिन वो कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये जो भूत प्रेत जब किसी के शरीर के आसपास रहते हैं ना, तो एक तो उनको पास्ट दिखता है, तो वो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। दूसरा वो आपकी कमजोरी भांप जाते हैं क्योंकि वो शरीर में नहीं होते। उसी तरह तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी कमजोरी भांप लिया कि कहीं इसको लगता है कि ये अपूर्ण है, और वहां से इसका मेंटल ट्रॉमा शुरू हो गया। कहानी अब शुरू हो रही है। इसने बहुत रिसर्च वेसर्च किया इधर उधर, उसके बाद मुझे बताया कि पता है मैंने एक अंगूठी मंगाई थी। अच्छा क्या था वो अंगूठी? बोला वो अंगूठी तो शारीरिक सुख के लिए था, लेकिन उसमें सचमुच एक प्रेत का वास है। मैंने बोला क्या मजाक कर रहे हो? बोला हाँ, मैं अनजाने में मैं अपने घर में इसका प्रयोग किया था, उस दिन घर वाले नहीं थे, मित्र लोग थे, हमने पार्टी की, और उसके बाद मैं दूसरे रूम में चला गया, मुझे एक अल्प मंत्र दिया था उसके साथ और बोला था प्रयोग करोगे तो ये प्रेत आके शारीरिक सुख देगा, मैं सोच रहा हूँ उस प्रेत को पूर्ण सिद्धि कर लूँ। मैंने बोला आगे क्या हुआ था? तो बोला कि मैं दूसरे रूम में गया, उसके बाद अचानक सो गया, जब उठा तो मेरे सारे कपड़े खुले हुए थे। तो मैंने बोला नहीं, इन सब चीज़ों का, प्रेत वेत का तो हम सहारा लेते नहीं हैं, आपको भी नहीं लेना है। लेकिन वो इस चीज़ में अब घुस गया था कि उसके सामने कोई भी शक्ति खड़ी ना हो सके, और उसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर किसी दिन मैंने उसको देखा तो वो एक बर्तन में, वो चमड़े का बर्तन था, उसमें वो त्राटक क्रिया का एक प्रयोग कर रहा था। मैं समझ गया वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसको मना किया कि तुम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। फिर एक दिन वो रुद्राक्ष का एक प्रयोग कर रहा था। ऐसे दो तीन घटनाएं हुई तो मैंने बोला कि तुम्हारे साथ अब रुकना अहितकारी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन और भी साधक थे वहां पर। इसने उस व्यक्ति से इस प्रेत को सिद्ध करने का पूरा उपाय निकाल लिया। ये एक बार कुछ साधना के लिए पशुपति गया। रात में 3 बजे मुझे इसने फोन किया कि ये मुझे अब मार देगी। मैंने बोला कौन मार देगी? तो बोला वही प्रेत जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। मैंने बोला मैंने तो तुम्हें मना किया था, अब क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि उसने इसकी पूर्ण सिद्धि की, पहले ये सिर्फ अनुभव मात्र थी, लेकिन अब ये पूरा सशरीर आती है। बोला कि मुझे जिसने मंत्र दिया था, बोला था इसको प्रेमिका के रूप में तुम रखना, और ये प्रेमिका के रूप में इंसानी प्रेमिका से ज्यादा खतरनाक है, ये मुझे कुछ करने नहीं देती है, उठने नहीं देती है, बैठने नहीं देती है, अभी मैं साधना करने आया हूँ, ये मुझे साधना नहीं करने दे रही है, और यही सत्य है कि मैं इससे छुटकारा पाने के लिए साधना करना चाहता हूँ। लेकिन वो मजबूर था और वो कुछ कर नहीं पा रहा था, ये प्रेत थी उसकी प्रेमिका। शक्ति के लिए अंधा जब हुआ व्यक्ति, एक प्रेत को उसने प्रेमिका बना लिया। और प्रेत की क्या खासियत थी कि आप उसको जो बोलो, उसको तुम हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस बन के आने बोलो, बॉलीवुड की एक्ट्रेस बन के आने बोलो, कोई भी विश्व सुंदरी बन के आने बोलो, वो उसी रूप में आएगी। लेकिन जो सत्य रूप होता है प्रेतों का, वो बहुत घिनौना होता है। लेकिन ये इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही थी, और उसके बदले में उसे ये व्यक्ति चाहिए था। सब साधक हाई अलर्ट हुए, बहुत मुश्किल से इसका पीछा छूटा, इसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया।
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद अभी जो नया जमाना है इसमें मोबाइल बहुत बड़ा ग्रह का काल होता है और इससे बातें उससे बातें इसका पास्ट उसका पास्ट पहले ठीक होता था, ना देखा ना सुना, ना फोन है ना रेडियो है, शादी हो गई अब उसी के साथ निभाना है। अब तो किसी का पास्ट देख लिया, किसी का प्रेजेंट देख लिया, लड़ाई होती रही। इनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा होती थी क्योंकि ये साधक थे और साधना के अलावा कुछ करते नहीं थे। पिताजी धन्नाट थे लेकिन इनके पास अपना धन नहीं था, तो इनका पारिवारिक जीवन बद से बदतर होने लगा। इनके साथ जो दो तीन साधक थे इन्होंने बाद में मुझे बताया कि ये फिर से प्रेत साधना में लग गया। शादी के 3-4 महीने बाद ये फिर से प्रेत की साधना करने लगा और उसको फिर से वापस बुलाया। उसके बाद इसका जीवन और कठिन हो गया। वो प्रेत इसको रोज उत्पीड़ित करे कि तुमने शादी क्यों की, वो इसको रोज मारे, ये डर से ऐसे समय में घर जाए जब पूरा परिवार सो रहा होता था, ये उसको उसकी धर्मपत्नी के साथ घूमने ना दे, अगर जाए तो इसको पीटे, इसको काट दे, इसको नोच दे। और अब वो इस स्थिति में नहीं था कि वो अपने गुरु भाइयों को बोले कि मेरी मदद करो, क्योंकि उसने हर हद को पार कर लिया था, जो भी एक संविधान है तंत्र मार्ग का उसको उसने पार कर लिया था। जब ब्रह्मचर्य का मार्ग बोला जाता है तो एक धर्मपत्नी के साथ जो रहता है उसको ब्रह्मचारी माना जाता है, उसका आचरण ब्रह्म वाला हुआ। फिर साधकों से ये इसलिए संपर्क नहीं कर रहा था क्योंकि इसको एक घमंड आ गया था कि इसने एक प्रेत सिद्धि कर ली है और साधक उस स्तर तक अभी नहीं पहुँचे हैं। इसने आश्रम में अभी रूम नहीं छोड़ा था और ये दिन भर वहीं रहता था अपने कमरे को बंद करके, और बाकी साधक इसकी स्थिति देख रहे थे। उन्होंने बताया कि ये जब भी निकलता था उस कमरे से तो रोता हुआ ही निकलता था, इसके शरीर पे चोट के निशान होते थे, नोचा हुआ, कभी गला दबाया हुआ, और ये मद और गांजे की लत में था। अंतिम रात्रि को भी ये रात में 3 बजे आश्रम से घर के लिए निकला था और रोता ही हुआ निकला था। दूसरे दिन सुबह घर वालों ने इसे पूछा कि क्या चल रहा है, तो इसने बताया कि मेरे पीछे एक प्रेत है जो मुझे मारना चाहती है। घर वालों ने मजाक में लिया, बोला तुम ज़्यादा साधना करके पागल हो गए हो। लोगों ने इसकी बात नहीं मानी, इसने फांसी लगा ली एक रस्सी लेकर के, और रूम में जो डिवीजन होता है वो जो पतला पर्दा का पाइप होता है उसमें ये झूल गया, और पर्दा का पाइप अल्मुनियम का कमज़ोर था, गिर गया, लेकिन उस फांसी से इसकी मृत्यु हो गई। जो डॉक्टर या कोई भी नहीं समझ सकता कि ऐसे फांसी लगाने से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। प्रेत साधना सुनने में अच्छा लगता है, प्रेत शक्ति आपके साथ हो, जो सामान मांगो दे दे, जैसा बोलो वैसे आ जाए, लेकिन अंतोगत्वा जब किसी से कुछ लोगे और ख़ास करके जो नीच शक्तियाँ हैं तो वो तुमसे इतना ले लेंगी कि भरपाई में तुम्हारा जान भी कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सूचनार्थ, जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे बेसिक पेड साधना ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.agurtantrasya.xyz पर जाइए, वहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगा। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। माँ भगवती आप सभी को कुपितों से बचाए रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख।